बसमिल नाज़ा पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट के अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि रियल इस्टेट के ऊपर आप वीडियोस नहीं करें रियल इस्टेट के ऊपर वीडियोस बनाएं तो देखें जी क्या इस वक्त पाकिस्तान की जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है 22 से 24 परसेंट और इसके साथ साथ पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट डिक्लाइन कर रही है रियल इस्टेट मार्केट में टैक्सी हैं तो क्या ऐसे वक़्त में रियल इस्टेट के अंदर घर या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या ये इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले दिनों में जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर मार्केट के लिहाज से क्या हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है देखिए रियल एस्टेट में पैसा लगाना ऑलवेज जो है वो फ़ायदा देता है लेकिन पिछले एक या दो साल में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग टैक्सेस की वजह से रियल एस्टेट मार्केट से आउट हुए और लोगों ने डॉलर गोल्ड और इस तरह की करेंसीज़ मार्केट का इंतख्य किया वक्ती तौर पर पैसे को डीवेलुशन से बचाने के लिए क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी की कमी थी और वो पोर्टफोलियो में लोगों के पास जो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए चीज़ें थी उनमें सिर्फ गोल्ड डॉलर और इसके साथ साथ चांदी जितनी भी कमोडिटीज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट हैं वो बची थी अब सवाल ये है कि अब हमें घर या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए देखिए जी किसी भी मुल्क के अंदर जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है वो महंगाई को कम करने के लिए होता है इन्फ्लेशन रेट को नीचे लेके जाने के लिए अब पाकिस्तान के अंदर मसला थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ माफ़ियाज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और माफियाज़ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मेन्यूपलेसन करते हैं किसी भी चीज़ को उठाने में और किसी भी चीज़ को गिराने में तो मॉनेटरी पोलिसी का इजाफा और मॉनेटरी पोलिसी को बनाने का मकसद होता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जा सके ताकि लोग लिमिटेड चीज़ों के ऊपर पैसा लगाएँ लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग क्या होता है फिर भी अनलिमिटेड चीज़ों के ऊपर पैसा लगाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान की जो वाई इकोनोमी का पैसा है वो यहाँ पर लग जाता है तो मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे से पाकिस्तान के अंदर क्या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदा होगा क्या जैसे डॉलर पाकिस्तान के अंदर नीचे जा रहा है तो हमें घर या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या ये बेनिफिशियल होगा अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें कि 2024 तक हमें इस इन्वेस्टमेंट का कितना फ़ायदा हो सकता है क्या शुड वी इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट और नॉट देखा जी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ये तो बहुत पहले से न्यूज़ आ रही है कि बूम आने वाला है ये ये कोई ऐसी सोर्स नहीं है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको झुठलाया जा सकता है नो डाउट पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट के पीछे कौन है ये सबको पता है और प्रॉपर्टी मार्केट पाकिस्तान के अंदर कभी भी डिक्लाइन नहीं करती और नो डाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पूरी दुनिया में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे काउंट की जाती है और इसका पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा खासा स्कोप है इवन डैट के दूसरे कंट्रीज़ में उस तरह प्रॉपर्टी बूम नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी प्राइस बहुत ज़्यादा राइज करती हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारे यहाँ रेगुलराइजेशन नहीं होती तो रेगुलराइज जब प्रॉपर्टीज़ होती हैं हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं लोगों की क़वतें ख़रीद बढ़ती है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऊपर आती है लेकिन पाकिस्तान में पिछले दो साल से अंदर लोगों की कु्वतें खरीद भी कम रही टैक्सेस भी ज़्यादा आए हकूमत की प्रॉपर्टी को ले लेकर जो प्रॉपर्टी को डिस्करेज भी काफ़ी ज़्यादा किया गया पिछली हुकूमत पीडीएम की तरफ से तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया तो अब इसका जो स्कोप है वो न्यूज़ ये आ रही है कि प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बूम आएगा अब बूम कैसे आएगा प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर इसमें यह नहीं हो सकता कि टैक्सेस में हुकूमत कमी कर दे क्योंकि टैक्सेस हमेशा यही रहेंगे मे बी टैक्सेस 2024-25 तक कोई नई हुकूमत आए तो वो टैक्सेस के अंदर लोगों को आके रिलीफ दे लेकिन एट द मोमेंट जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस हैं इसमें जो ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट है वो है आई की आईएमएफ को इस चीज़ का पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है यानी ओवरसीज लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओवरसीज लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी भी लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की बिहाफ पर जो रेट ऑफ रिटर्न था लोगों का वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई था लेकिन उसके मुकाबले में लॉस की रेशो भी बहुत ज्यादा थी आप देखें तो आज पाकिस्तान के अंदर हंड्रेड ऑफ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ओवरसीज़ के पैसे स्टक हैं सिर्फ इस वेट में कि कब वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम्प्लीशन पीरियड में आएँ और उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से बाउंड होने के बाद निकल आए तो अगर आपने घर या प्लॉट के अंदर पैसा लगाना है पाकिस्तान के अंदर तो एक चीज़ ये रखें मार्केट में अगर बूम आया भी तो आप ये चीज़ माइंड में रखें कि टैक्सीज में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा टैक्सीज अभी यही रहेंगे क्योंकि टैक्सीज का हमने जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया स्टैंड बाय उसको देखते हुए बजट में ये टैक्सेस अप्रूव हुए थे और ये टैक्सेस बीइंग अ पार्ट ऑफ उसके जो आईएमएफ एम के एग्रीमेंट है उसका एक मेन जो है वो जो है पाकिस्तान का मादा है उसमें ये मैंशन है तो ये जो टैक्सेस हैं इनको पहले एफ भी डिक्लाइन कर चुका है कि इसमें कमी नहीं होगी हालांकि इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े रियल्टर्स ने कहा था कि टैक्सीज़ में रिलीफ दिया जाए ताकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके बाद पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माफिया आ गया डॉलर माफिया आ गया फिर पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तरह इन्वेस्टमेंट के अंदर लोगों ने सट्टेबाजी शुरू कर दी इनकी प्रॉपर्टी सॉरी इनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी तो ऐसे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है एज पर मार्केट इंफॉर्मेशन के जैसे रियल एस्टेट में बूम आने वाला है तो आपने प्लॉट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ खाली प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अगर तो आपने प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर रही है तो डॉलर की रेट को देखते हुए आप उसके ऊपर फ़ौरी कंस्ट्रक्शन कर लें उसका फ़ायदा आपके ये होगा कि अगर आप खाली प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि डॉलर जैसे दो सौ में ट्रेड करेगा स्टेबल रहेगा चार से छः महीने तक आई रिव्यू से पहले उसके बाद जब आई रिव्यू के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरन पेमेंट्स की जो ड्यू uh, टाइम आएगा तब जाकर आपका वो जो प्लॉट कंस्ट्रक्टेड प्लॉट होगा उसकी जो वर्थ होगी वो आपके जो अनकंस्ट्रक्टेड प्लॉट है नॉन कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी और ये इन्वेस्टमेंट आपकी बीइंग एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी इवन दो कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो डॉलर रेट है दो सौ निन्यानवे रुपये तो ये फॉर एग्जांपल बात करें तो अगर कल को डॉलर दो सौ तक आता है तो आपने दो सौ के हिसाब से जब इन्वेस्टमेंट की तो डॉलर दो सौ सत्तर आ गया तो वो लोग लॉस में जाएंगे तो ओवरसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस होगा लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं मुकामी इन्वेस्टर हैं यहाँ से पैसा लगाते हैं आपके पास पैसे पड़े हैं बैंक में नहीं रखना चाहते पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड का रिस्क नहीं ले सकते तो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट के अंदर खाली प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना नंबर टू पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्या अभी रियल एस्टेट के अंदर हमें जो है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डेफिनेटली आपको करनी चाहिए क्योंकि डॉलर जैसे ही डिक्लाइन हुआ है उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशनस आई हैं अब डॉलर डिक्लाइन हुआ है डॉलर डिक्लाइन होने के बाद ना तो स्टील प्राइसेस कम हुई हैं ना पाकिस्तान के अंदर सीमेंट प्राइसेस कम हुई हैं ना पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज़ की कीमत में कमी आई है और ये वक्ती क्रैकडाउन से चीज़ें हमेशा नीचे नहीं आती ये मुस्तकिल तौर पर जब होगा लॉन्ग टर्म इसके ऊपर ओपरक्शन इसी तरह मेंटेन रहेंगे जिस तरह जनरल आसफ़ मनीर साहब ने एक अच्छा कदम उठाया है तो इसके बाद ये मुमकिन है और ये मुमकिनत में है और दुनिया आल में मुमकिन में से है इन पाकिस्तान के भी हालात बेहतर होंगे तो ये चीज हो जाएगी उसके बाद जो इंडस्ट्रियल प्लॉट में आपने इन्वेस्टमेंट गई होगी वो आपको फायदा देगा नो no डाउट वो आपको नुकसान नहीं देगा इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करें रेजिडेंशियल प्लॉट की बात नहीं करे उसके बाद कमर्शियल शॉप्स बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें दुकान मिल रही है भाई वो चीज जो आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकती है वो चीज जो आपके लिए बिजनेस का मौका या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे सकती है वो चीज़ ख़रीदने में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा तो बट डोंट इन्वेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स आपको खा कोई फ्लैट दे रहा है आपको कोई घर दे रहा है आपको कोई प्लॉट दे रहा है खाली प्लॉट दे रहा है इन तमाम तरह चीज़ों से अगर आप मार्केट के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लोग इन्वेस्ट नहीं करें इसमें कोई शक नहीं है कि लोग अभी वेट करें लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो ये हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप बात करें 2024 के पाँचवें या छवें माह के दौरान जैसे अभी 2023 में हम खड़े हैं सितंबर में तो आप 2024 के सितंबर की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बूम आने वाला है इसी टाइम पीरियड में और इसी टाइम पीरियड में बेस्ट टाइम जो डिसीजन होता है लेने का वो यही होता है कि जब आपको मार्केट के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रियल एस्टेट के अंदर बूम आने वाला है वो टाइम होता है बीइंग एज ए इन्वेस्टमेंट आपका या बीइंग एज ए इन्वेस्टर आपका मौके को कैश करने का तो रियल इस्टेट के हवाले से ये चीज़ है कि अगर आपने पैसा लगाना है प्लॉट या घर लेना है तो आपके लिए घर लेना बेहतर है अगर प्लॉट लेना है तो कंस्ट्रक्शन फौरी करना बेहतर है अगर आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो दुकान लेना बेहतर है अगर आपने रहने के लिए कोई चीज लेनी है तो फ्लैट लेना बेहतर है लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर ने जितना ज्यादा आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाएंगे उसकी आपको थाउजेंड बल्कि टन्स ऑफ ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगे पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां पर लोगों को आज तक प्लॉट्स डिलीवर नहीं हुए उसका सिर्फ लोगों को नुकसान ये हुआ कि लोगों ने लालच में आके कि थोड़े थोड़े पैसे करके सेविंग करके हम इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट लेंगे और ये बेहतरीन एक जो आप कह सकते हैं अलाकार होता है सोसाइटीज का कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का तो मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में तब तक के लिए अलह हाँ।